Dear students, today we are going to perform the experiment number 3, that is the redox titration. So, aaj hum kya karne wale hain? Aaj ka jo experiment hai, wo kis pe based hai? That is the redox titration. So, iska title kya hai? Aaj ka experiment ka title kya hai? That is hum jise hum practical outcome bolte hain. So, simply we are going to call it as a title, aim or practical outcome. Okay? So, practical outcome of this experiment is to determine the percentage of iron. What is the symbol of iron? Iron ka symbol kya hai? Fe hai. In the given sample. Okay, so आज एक हमें ओर का सैंपल दिया होगा, मींस ओर मालूम है आपको, ओर कहाँ से मिलते हैं? हमें ओर जो मिलते हैं मिनरल से मिलते हैं, ओके, मिनरल जिसे हम खनिज बोलते हैं, ओके, माइंस में जो मिलते हैं ना, माइन में से मिनरल्स, और वो मिनरल में से जिससे हम मेटल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसको ओर बोलते हैं. तो आज क्या दिया हुआ होगा आपको, यहाँ पे आपको एक आयरन का, आयरन उसका सिंबल है Fe, जिसे हम लोह बोलते हैं, लाइक दैट फ्रॉम दैट आयरन, सॉरी फ्रॉम दैट ओर यू हैव टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ दैट आयरन. तो एक ओर दिया है, उसमें से आपको Fe निकालना है. ओके, समझ में आया? सो उसमें क्या क्या है, कौन से स्टेप्स होते हैं वो हम अभी देखेंगे. उससे पहले हम देखेंगे कि ये रिडॉक्स टाइट्रेशन क्या होता है. रिडॉक्स टाइट्रेशन बोले तो दैट रिडॉक्स कैसे फॉर्म हुआ है. ओके, सो रिडॉक्स व्हाट इट इज फॉर्म्ड बाय द, इट कंसिस्ट ऑफ द टू स्टेप, इट इज मेड फ्रॉम द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. ये दोनों मिला के जो होता है उसे हम रिडॉक्स टाइट्रेशन बोलते हैं. सो लेट अस प्रोसीड फॉर द रिडक्शन. रिडक्शन बोले तो क्या, जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वेयर देयर इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पे गेन होता है उसे रिडक्शन बोलते हैं. जहां पे वेयर वी आर गोइंग टू लूज द इलेक्ट्रॉन, दैट इज इट्स कॉल्ड द ऑक्सीडेशन. ओके, अनदर वे ऑफ डिफाइनिंग दिस रिडक्शन इज आल्सो दैट देयर इज अ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इट इज कॉल्ड द रिडक्शन. And here there is a exactly opposite of that, that is the removal of hydrogen, it is called the oxidation. One more time, again, this is the three method, these are the three definitions of reduction. One, two, and third one is, that is the, here there is a removal of oxygen. Removal of oxygen is called the reduction. And oxidation is the exactly opposite of this, that is the removal of oxygen is reduction. So here there is an addition of oxygen is the oxidation. So these are the three definitions of reduction and oxidation. So again I am going to repeat in 1 minute. Reduction, that is the gain of electron, addition of hydrogen or removal of oxygen is the reduction, and oxidation is loss of electron, removal of hydrogen and addition of oxygen is called the oxidation. Okay? Three. So, this is the ore. This is the iron ore. Powder of that iron ore is given to you. And from that iron ore, is iron ore se humne kya nikalne ka hai? Usme kitna iron hai? Uska aaj hum kya nikalne wale hai? Uska aaj hum percentage nikalne wale hai. Okay? So, uske do steps hote hai. फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सैंपल सॉल्यूशन. ओके, फर्स्ट हमें क्या बनाने का है, जो अभी मैंने आपको और दिखाया उसकी हमें क्या बनाने का है, सैंपल सॉल्यूशन बनाना. नाउ इट इज इन पाउडर फॉर्म, जो पाउडर फॉर्म में है उसका हमें सॉल्यूशन बनाने का. कैसे बनाने का सॉल्यूशन, दिस ये जो पाउडर दिखाई थी मैंने आपको, ये जो आयरन ओर की जो सलवा है उसकी जो पाउडर है उस कितना लेने का है हमें, वी हैव टू टेक दैट 1 ग्राम.
वी हैव टू वेट ऑन द वेइंग बैलेंस. वेइंग बैलेंस से आपको मैं दिखाऊंगी, उससे हम वेट 1 ग्राम वी हैव टू वेट दैट फॉर सैंपल एंड उसे हमें 250 ml बीकर में लेने का है. ओके, 250 ml के बीकर, मैं बोल दूंगी आपको बीकर कैसा होता है एकदम बायो, अदरवाइज यू कैन वॉच द इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑन YouTube चैनल आल्सो. सो उसमें हमें 250 ml का 250 ml का बीकर है, उसमें 1 ग्राम और लेने का है. इन दैट व्हाट यू हैव टू ऐड, उसमें आपको 100 ml DIL H2SO4. DIL इन माय फर्स्ट प्रैक्टिकल आल्सो आई हैव एक्सप्लेन, DIL स्टैंड्स फॉर द डाइल्यूट H2SO4. डाइल्यूट H2SO4 हम उसमें डालेंगे. फिर क्या करने का है हमें, वो ऐसे डाइल्यूट है डिजॉल्व होगा का नहीं, तो दैट टाइम यू हैव टू हीट इट, हीट करने का है. सो इट विल बी डिजॉल्व, ऑल दैट ओर इज गोइंग टू डिजॉल्व इन दैट एसिड. वो जो ओर है वो एसिड में क्या हो जाएगा, डिजॉल्व बोले तो क्या, सोल्यूबल हो जाएगा, उसमें से जो पार्ट आयन के पार्ट है वो स्प्लिट हो जाएंगे. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू ऐड आफ्टर हीटिंग, यू हैव टू ऐड मेक इट कूल एंड देन यू हैव टू ऐड द ग्रैन्यूल्स ऑफ जिंक. ग्रैन्यूल बोले तो क्या, दिस इज द ग्रैन्यूल्स ऑफ जिंक, दिखाई देता है, दिस इज द ग्रैन्यूल्स. व्हेन इट इज गोइंग टू डिजॉल्व, आफ्टर डिजॉल्विंग द ओर, यस, सो आफ्टर एडिंग ग्रैन्यूल्स ऑफ जिंक then that time all that iron यहाँ से hydrogen free हो जाता है, that hydrogen it act as a reducing agent and after that you have to cool it. इसको आपको क्या करें, granules add करने के बाद जो solution है उसको आपको cool करने का है. जो भी बचा होगा क्या लिया है हमने, 1 gram powder लिए, उसमें हमने 100 ml acid लिया था, dilute H2SO4 लिया था, sulfuric acid add किया था. इसे हीट करने के बाद ये जो बीकर है आप देखेंगे, ये बीकर में आपको यहाँ पे बॉयलर वॉल्स होंगे, ये बर्नर से आप हीट करेंगे, ये 100 ml होगा, तो थोड़ा जब हम इसको डिसॉल्व कर देंगे तो ये सॉल्यूशन इट विल बी लेफ्ट, समथिंग इज लेफ्ट इन द बीकर. जो भी बीकर में बचेगा उसे हमें एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क करके होता है, आई विल शो यू ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल, ये ऐसे उसको ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है, यहाँ पे उसको ऐसा मार्किंग होता है, तो हमें जो है इसको 250 ml का एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, इट इज अवेलेबल इन वेरियस कैपेसिटीज, इसके अलग अलग कैपेसिटी के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होते हैं. तो हमें क्या करने का है, इसमें हम वो जो बचा हुआ सॉल्यूशन है इसमें ट्रांसफर कर देंगे, और उसमें हमें क्या ऐड करने का है, अप टू दिस मार्क हम डिस्टिल्ड वाटर इसमें ऐड करेंगे. जब भी यहाँ यहाँ जो मार्क है ये मार्किंग तो हम वाटर ऐड कर देंगे, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, वो कितने ml का सॉल्यूशन हम प्रिपेयर करने वाले हैं, दैट इज द 250 ml का हमारा सॉल्यूशन तैयार हो जाए. नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप में हमें अभी हमने देखा सैंपल कैसे प्रिपेयर करने का, नेक्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप है, दैट इज द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कैडमियम. कैडमियम बोले तो उसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट. आपने देखा होगा पोटेशियम परमैंगनेट जो ऐसे होली का जब कलर खेलते हैं उसको, जैसे काची कलर का होता है उसमें पानी ग्रीनिश उसके क्रिस्टल्स होते हैं, पानी मिलाएंगे तो जैसा पिंक होता है ना, सेम लाइक दैट केविनोपोर इट्स गोइंग टू पिंक कलर सॉल्यूशन इज फॉर्म. ओके, हम पानी में तैयार करेंगे. अब उसको क्या करने का है आपको, उसको स्टैंडर्डाइजेशन करना है. स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स बोले तो क्या, इसकी क्या स्ट्रेंथ है आपको निकालने का, मीन्स उसका क्या कॉन्सेंट्रेशन है, दैट यू हैव टू डिटरमाइन, क्या वो 1 नॉर्मल का है या 0.1 नॉर्मल का है, दैट यू हैव टू डिटरमाइन. उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ केविन को. इसे हम कैसे स्टैंडर्डाइज करने वाले हैं, इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम यूज करने वाले हैं ऑक्सैलिक एसिड. ओके, सो हियर हमें ऑक्सैलिक एसिड लेना है, ऑक्सैलिक एसिड से हमें इस केविन को स्टैंडर्डाइज करने का. तो क्या करने का है, फर्स्ट वी ब्यूरेट है, आपको मैं दिखाऊंगा एक्सपेरिमेंट करते सेटअप में, ऐसी लॉन्ग ग्लास ट्यूब होती है, उसे स्टैंड होता है जिसे हम ब्यूरेट स्टैंड बोलते हैं, ब्यूरेट को स्टैंड पे ब्यूरेट क्लैंप कर देंगे. इस ब्यूरेट में आपको क्या लेने का है, इन दैट ब्यूरेट यू हैव टू टेक द केविनोफोर, इसमें आपको केविनोफोर लेने का है. और एक कोनिकल फ्लास्क होगा यहाँ पे, इन दैट कोनिकल फ्लास्क यू हैव टू टेक द 10 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड, और ए स्टैंड फॉर द ऑक्सैलिक एसिड आपको लेने का है. और आगे क्या करने का है, मैं प्रैक्टिकल करते हुए आपको एड बोल दूंगी कि हमने क्या क्या ऐड किया है इसमें. ओके, सो डायरेक्टली वी विल प्रोसीड फॉर द प्रैक्टिकल. तो आज के
के प्रैक्टिकल रूम में क्या अपैरेटस लगने वाले हैं, जिसे हम डिसोर्स बोलते हैं। तो ये जो दिखाई देती है आपको, इसे ब्यूरेट बोलते हैं, और जिसे हमने उसे जिस पर हमने उसे क्लैंप किया है, ये ब्यूरेट को जिस पे लगाया है उसे ब्यूरेट को स्टैंड बोलते हैं, ब्यूरेट स्टैंड, दैट इज वुडन इज द ब्यूरेट स्टैंड। दिस इज द अलॉय सॉल्यूशन। नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड यू हाउ टू प्रिपेयर दैट अलॉय सॉल्यूशन, कैसे प्रिपेयर करने का, दैट इज द अलॉय सॉल्यूशन। दिस इज द ऑक्सैलिक एसिड व्हिच वी आर गोइंग टू यूज फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कैमेनोफोर। दिस इज अवर कैमेनोफोर, यू कैन सी इट्स कलर, ओके, वेदर इट इज विजिबल टू यू, दिखाई देता है ये कलर जो है, कलर कैमेनोफोर का होता है पिंक कलर का, डार्क पिंक कलर का होता है। ये हमने डायल्यूट H2SO4 लिया है। अभी हमें टाइट्रेशन के लिए ये लगेगा, इसे कोनिकल फ्लास्क बोलते हैं, कोन जैसा इसका शेप है इसलिए इसे कोनिकल फ्लास्क बोलते हैं। दिस इज द पिपेट, इसे पिपेट बोलते हैं। इससे हम क्या लेंगे, इस जो ओवर सॉल्यूशन होगा ये आपका ऑक्सैलिक एसिड 10 ml मेजर करने के लिए हम पिपेट से लेंगे। ये है मेजरिंग सिलेंडर, ओके। तो आज के एक्सपेरिमेंट को ये रिसोर्सेस लगने वाले हैं, जिससे हमने देखा ग्लासवेयर भी देखा और केमिकल्स भी देखा। सो फर्स्ट स्टेप हमें क्या करने का है, एक कोनिकल फ्लास्क में हमें 10 ml ऑक्सैलिक एसिड लेने का है। ये दिखाई देता है तो ऑक्सैलिक एसिड किससे लेने का है हमें, हमें इस पिपेट से हमें 10 ml लेने का है। अभी 10 ml बोले तो कैसे, सो सी हियर दिस पिपेट अप टू दिस मार्क, फ्रॉम हियर टू अप टू दिस मार्क, वेदर इट इज विजिबल, कैन यू सी दिस, इज इट पिपेट है, ये पिपेट से हमें क्या लेने का है 10 ml, इसकी कैपेसिटी क्या है, ये जो पिपेट है इसकी कैपेसिटी है 10 ml से। और कहां तक होगा ये 10 ml, ये बल्ब तक नहीं लेने का है आपको, यहाँ पे एक मार्किंग होगा, ओके, दिखाई देता है आपको मार्किंग, इज इट विजिबल, यहाँ पे एक ऐसा राउंड सर्कल होगा, ये यहां तक नहीं लेने का है, यहाँ पे एक लाइन होगी, दिस इज योर 10 ml ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ओके। तो अभी मैं आपको लेके दिखाऊंगी ये 10 ml, क्या करने का, ये बल्ब तक हमें सॉल्यूशन लेने का है, उस पे हमें एक इंडेक्स फिंगर जो होती है वो लगा के रखने का है, और स्लोली उस 10 ml जो मार्किंग है ना वहां तक हमें एडजस्ट करने का है सॉल्यूशन, हो गया। अभी इसको टाइटली होल्ड करेंगे, ये हमारा 10 ml हो गया, उससे हमें कोनिकल फ्लास्क में ले लेंगे। अभी इसमें हम क्या ऐड करेंगे, 10 ml H2SO4 ऐड करेंगे, इसमें हमें ऐड करने का है 10 ml H2SO4। ये मेजरिंग सिलेंडर है 10 ml की, दिखाई देता है, ये 10 ml का H2SO4 हमने लिया है, सेम इसमें हम ये डाल रही हूँ, सेम कोनिकल फ्लास्क में मैं ऐड कर रही हूँ, जिसमें हमने पहले लिया था 10 ml ऑक्सैलिक एसिड, फिर इस मेजरिंग सिलेंडर से लिया है 10 ml डाइल्यूट H2SO4। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू हिट दिस कोनिकल फ्लास्क, यस। अब हम इसे क्या करेंगे, हीट करेंगे। ये जो है बर्नर जिसे हमने लगाया है, ये जो है ट्राइपॉड स्टैंड बोलते हैं, इस पे अब हम ये कोनिकल फ्लास्क जो है जिसमें हमने 10 ml ऑक्सैलिक एसिड और 10 ml सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, इस पे रख के हम 70 degree तक हीट करेंगे, ओके। 70 degree तक हम ये बोले तो यहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर जमा होना चाहिए, और थर्मामीटर से चेक करेंगे कि मॉइस्चर जमा होने के बाद हम देखेंगे थर्मामीटर से टेम्परेचर 70 degree हुआ है कि नहीं। टेम्परेचर 70 degree हो जाएगा तो हम हीटिंग बंद कर देंगे और हम टाइट्रेशन करेंगे। मॉइस्चर जमा हुआ है इधर कोनिकल फ्लास्क में, डोंट बॉइल इट, ओनली अप टू 70 degree यू हैव टू हीट दैट, ओके। 70 degree तक हमें हीट करना है। अभी इसे हम टाइट्रेट करेंगे, ये ब्यूरेट में हमने केमेनोफोर लिया है। देखिए इसका कलर कैसा है, इसका कलर जो है कलरलेस है, मीन्स पानी जैसा है, जिसे अब हम इसे टाइट्रेट करेंगे केमेनोफोर के साथ, तो उसका कलर आना चाहिए लाइट पिंक कलर, ओके। एड ड्रॉप बाय ड्रॉप फ्रॉम द ब्यूरेट,
कंटिन्यूअस शेकिंग इज नेसेसरी देयर, कंटिन्यू हिलाते रहना है आपको कॉनिकल फ्लास्क को। नाउ यू कैन सी द कलर, लाइट पिंक कलर इज देयर इन द कॉनिकल फ्लास्क। ओके, इज इट विजिबल टू यू, दिखाई देता है आपको? ऐसा लाइट पिंक कलर आना चाहिए सॉल्यूशन का। सेम टाइम व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू नोट डाउन द ब्यू रेट रीडिंग आल्सो। नाउ यू कैन सी हियर वेदर इट इज विजिबल, ये पूरा 10 ml पूरा खत्म हुआ है, उसके बाद जो दिखाई देता है दैट इज नाउ देन गो ऑन काउंटिंग द लाइंस, सो इट इज नियर अबाउट 10.5, ओके 10.6। तो हमारा रीडिंग जो आया है, पहला रीडिंग 10.6 का आया है। ऐसे ही हमें दो और रीडिंग लेने के हैं, हमें फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टेबल में हमें लिखने का है। ओके, सो हियर इज द मैनुअल, इन दैट फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टेबल दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ, इज इट विजिबल टू यू, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ केमेनोपॉज। सो फर्स्ट रीडिंग सीरियल नंबर 1 हमारी कितनी आई है, 10.6। सेम यू हैव टू रिपीट द प्रोसीजर फॉर टू मोर रीडिंग। सेम हमें क्या करना है, 10 ml ऑक्सैलिक एसिड, 10 ml H2SO4 हीट करने का है 70 degree तक, फिर से यहाँ ब्यूरेट को फिल करके ऐसे दो बार रीडिंग करने है और ये रीडिंग यहाँ पे नोट डाउन करने का है। ओके, सो जो कैलकुलेशन के पार्ट है मैं आपको ड्यूरिंग दी प्रैक्टिकल बता दूंगी। अभी सेम नेक्स्ट हमें क्या करने का है, ये जो आयन आला का जो सॉल्यूशन है उसे हमें लेना है, उसे भी हमें वी हैव टू टेक दैट आयन आला और जो था जिस फर्स्ट स्टेप में हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था उसका हमें 25 ml लेना है। ये पिपेट जो है 25 ml की पिपेट है। अभी दिखाई देता है यहाँ पे जो मार्किंग है, अप टू दिस मार्किंग यू हैव टू टेक द सॉल्यूशन। ओके, सो लेट अस प्रोसीड फॉर द अभी से हम धीरे से वो मार्किंग है वहां तक हम एडजस्ट करेंगे। और इसे मैंने 100 ml कॉनिकल फ्लास्क में ये ट्रांसफर कर दिया है, एपिपेट में से कॉनिकल फ्लास्क में मैं ट्रांसफर कर रही हूँ। कितना लिया है हमने सॉल्यूशन, और का जो हमने सॉल्यूशन बनाया है वो 25 ml लिया है, उसमें अब मैं 10 ml H2SO4, दिस इज द मेजरिंग सिलेंडर ऑफ 10 ml कैपेसिटी, टेक द 10 ml H2SO4 केयरफुली, यू हैव टू हैंडल द रिएजेंट्स आल्सो, add it in the 100 ml conical flask. Now don't heat. Now what you have to do, you have to directly titrate using the Kemenophore. Okay, this is the burette. In that burette, standardized Kemenophore is taken. Okay, same. What is the end point? What should be the end point? Now see, the color is colorless. After titration, its color should be the light pink. Go on adding the drop by drop carefully. ये बहुत ही ज्यादा डार्क हुआ है, फिर भी वी विल नोट डाउन द रीडिंग। सो द रीडिंग इज 4 ml, द रीडिंग यू कैन सी दिस इज द ब्यूरेट एंड इट इज अ 4.1, इज इट विजिबल, क्लियर मैम? ओके, सो सिमिलरली सेम यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर फॉर टू मोर रीडिंग, टेक द 25 ml अलॉय सॉल्यूशन, इन दैट ऐड द 10 ml H2SO4 and directly you have to titrate using the Kemenophore. Okay, so remaining calculation part we will see in the practical.